एवरेज गियर रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ लैपटॉप से। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बैग में एक रेन प्रोटेक्टर कवर भी है, तो अगर आप बारिश हो रहा है तो आप इसे लगा के अपने बैग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो चलो ये अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं इसमें अपना लैपटॉप रखता हूँ और एक काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है तो लैपटॉप में यहाँ पे रख सकता हूँ। और हालांकि आईपॉड आईपैड के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है इसमें आईपैड आ तो जाएगा लेकिन सेफ नहीं है यहाँ पे रखना आईपैड। हालांकि ऐसे आप रख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं अपने आईपैड को यहाँ रखने वाला हूँ लैपटॉप के साथ, इसको मैं लगा देने वाला हूँ। और बात करते हैं सबसे ऊपर वाले पैकेट में, तो यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिसमें आप अपनी बैटरी, अपना चार्जर बैंक, अपना पावर बैंक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है, इवन 3000 रुपये मुझे इस बैग के लिए महंगा पड़ा। मैं इसे रिटर्न करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें, जिससे आप देख सकते हैं इतने सारे केबल्स हैं। तो मैं सबसे पहले लैपटॉप का चार्जर यहाँ रखने वाला हूँ। और ये रहा मेरा ईयरफोन, इसको मैं, चलो मैं इसको कहीं बाद में रखूँगा, मैं अपना ये चार्जर यहाँ पे रख सकता हूँ। ये बैग काफ़ी हैवी हो जाएगी और इसकी जो साइज़ है ओवरऑल बैग की काफ़ी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं सच में इसके अंदर इतना रूम है या नहीं। तो मुझे लगता है एक काफ़ी अब फुल हो गया, इसमें अब कुछ जगह बची नहीं है, क्योंकि बैग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप इसे ओवरलोड करोगे तो टूटने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। यहाँ से आप अपने गियर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसे गिरने से, लेकिन ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट नहीं करता, मेरा जो ट्राइपॉड था मैन फ्रोटो का वो बाहर निकल के आ गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैनन एक कैमरा यहाँ पर रख देता हूँ, लेंस इसमें नहीं लगा हुआ है, लेंस को मैं अलग से रखूँगा। दिस इज रियली नॉट अ सेफ प्लेस टू कीप योर कैमरा सीरियसली। हालांकि आप इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, इस बड़े वाले लेंस इसमें आ जाएगा और इसको मैं हटाता हूँ। एक चीज़ अच्छी है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, हालांकि दिस इज़ नॉट यूनिक, सारे कैमरे बैग में आप कस्टमाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो अब जैसे मेरे कैमरे का साइज़ यहाँ पे, तो अगर मैं इसको पूरा साइज रखूँगा तो कैमरा ऐसे ऐसे होगा, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे पार्टीशन लगा देता हूँ ताकि कैमरा मूव ना करे अपनी मर्जी से। यहाँ पे हो गया, मैं इसको यहाँ लगाता हूँ ताकि लेंस बाहर ना निकले। हालांकि इसको लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लेंस बाहर नहीं निकलेगा, मेरे को इसमें निकल के आ गया था बाहर ट्राइपॉड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी मुझे लगता है मैं अपने लैपटॉप का चार्जर भी यहाँ रख सकता हूँ, देखता हूँ अभी। सबसे पहले मैं इन सारे लेंसों को यहाँ पे डाल देता हूँ, जगह मुझे नहीं लगता कि ये आने वाला है अच्छे तरीके से, इससे बाहर पड़ेगा तो टूट भी सकता है। 50mm लेंस, जो मटेरियल है वो भी काफ़ी चीप है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है मटेरियल। हालांकि अगर आप टाइट बजट में हैं तो आप बैग ले सकते हैं, कुछ तो प्रोटेक्ट करेगा ही, ना होने से अच्छा है कि वो जो डिफ़ॉल्ट बैग्स आते हैं कैमरे का, निकॉन कैनन, वो काफ़ी चीप क्वालिटी के होते हैं। हालांकि निकॉन का अच्छा होता है, कैनन का काफ़ी चीप क्वालिटी का होता है। तो गाइस उस बैग में आप अगर चाहते हैं कि आप अपना सामान कैरी करें ट्रैवलिंग में खास करके, इट वोंट प्रोटेक्ट, एक केबल में निकाल के देखता हूँ मैं यूज कर सकता हूँ।
ये बस देखने में बड़ा है, कुछ काम का नहीं है एक्चुअली। गाइस सीरियसली ईयरफोन हेडफोन तो आएगा ही नहीं मेरा यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपना चार्जर और ये सारी चीज़ें रख सकता हूँ। ये इसमें जो मेरे लैपटॉप चार्जर थे वो शायद यहाँ पे आ गए, तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अब देख सकते यहाँ पे मैं सारा जो केबल है मैं इसको यहाँ पे तो रख सकता हूँ ताकि वो बाहर से खराब ऊपर से ज़्यादा हैवी लोड ना दिखे। यहाँ पे मैं अपना ईयरफोन भी डाल सकता हूँ और हेडफोन के लिए कोई जगह बची नहीं यहाँ पे। तो काफ़ी साइज़ तो ये देखने में काफ़ी बड़ा है, आप अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अमेजोन पे तो इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ओवरऑल जो साइज़ है इस कैमरे की उसके कंपेयर में इसमें जगह बचता ही नहीं है। और इसको मैं रखता हूँ लगा कर, ये जो एक्स्ट्रा बचा है सीरियसली अगर आपके पास बजट है तो आप प्लीज़ प्लीज़ ये बैग ना लें, आप एक बढ़िया सा बैग लें क्योंकि आपने कैमरे में इतना पैसा खर्च किया है, आप अब उसका ड्यूटी बनता कि आप उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करें। अब 2-3 हज़ार रुपये बैग में बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आपका कैमरा नो टूट जाए या कुछ हो जाए, तो ये मैं यहाँ रखूँगा नहीं। हेडफोन को मैं कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, के लिए मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ये जो केबल बच गया था केबल को मैं वापस यहाँ डाल सकता हूँ जो हेडफोन का था। और दोस्तों ऐसे आने के लिए यहाँ पे आ तो जाएगा लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती रखना नहीं चाहता क्योंकि फिर इस पर भार पड़ेगा ऊपर से तो डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। चैन भी काफ़ी चिप क्वालिटी की है, मतलब अमेजन बेसिक्स का ही है फिर भी। और इस बैग में आप दोनों तरफ पानी बोतल कैरी कर सकते हैं और यहाँ पे आप ट्राईपोर्ट कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्राईपोर्ट लगाकर ऐसे लंबे आप रख सकते हैं। हालांकि मैंने मैनफ्रोटो का ट्राईपोर्ट इसके अंदर नहीं डाला क्योंकि जगह ही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ डाल सकता हूँ अगर मैं इसको कैरी करना होगा तो। लेकिन जरा जैसे कि मैं बता चुका हूँ मैं वापस कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिस डजंट सीम लाइक अ 3000 रुपीज़ बैग, दिस इज एज सिंपल एज दैट। और हो सकता है कैमरा बैग काफ़ी महंगे आते होंगे नॉर्मल बैग पैक के कंपेयर में, क्योंकि 3000 का जो नॉर्मल बैग पैक अगर आप लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करता है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी क्वालिटी की होती है। यहाँ पे नहीं है, अरे नहीं प्रोटेक्ट करने वाला आपके कैमरे को, अगर हल्का सा भी एक्सीडेंटल गिरा गया मुझे नहीं लगता कि आपका कैमरा प्रोटेक्टेड होगा अंदर। तो यहाँ पे आप अगर आपका ज़्यादा हैवी वेट है तो आप ये आपको वेट को कम करने में मदद करेगा। यहाँ पे आप इसे भी यूज कर सकते हैं, हालांकि मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगता है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसे निकालने का। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो तो मैं इसे हमेशा निकाल के रखूँगा क्योंकि दिस रियली इरिटेट्स मी। अगर आप मुझे यूज नहीं करना तो अगर आप बिना इसे ऐसे अंदर की आप यूज करो तो काफ़ी अंदर से लगेगा कि पीछे कुछ हैवी सा पीठ में इरिटेट कर रहा है, टच हो रहा है, तो दिस इज अगेन वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। अगर कंपनी वाले कुछ ऐसा ऑप्शन दिए होते कि मैं इसे निकाल सकूं जो कि लोगों में है तो मैं इसे हमेशा निकाल के रखता। तो अगेन गाइज दिस इज रियली आई थिंक नॉट वर्थ। एक बात और गाइज कि अगर इसकी इस पैक की जो ओपनिंग है वो आगे से खुलती है, मतलब कि आपका गियर प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आप आउट प्लेसेस पे जा रहे हैं तो पीछे से कोई भी आपका ऐसे चैन ओपन करके आराम से कुछ चीज़ निकाल सकता है। बैग लोप्रो में क्या है जो इसकी जो चेन है वो पीछे से खुलती है, मतलब कि आपको बैग को ऐसे लिटाना होगा और फिर यहाँ से चैन खुलेगा। तो दिस इज ग्रेट क्योंकि अगर आप कहीं ऐसी क्राउड वाली जगह पर जा रहे हैं तो आपका बैक पोर्शन हमेशा आपके पीठ से दबा रहेगा, पिक पॉकेटिंग की पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं है।
ओके गाइस, दिस वाज मी टेक ऑन दिस अमेज़न बेसिक्स कैमरा बैग. दिस इज रियली वेरी चीप, 3000 रुपये. इट्स रियली वेरी चीप. अगर आप ब्राउज करते हैं कैमरा गियर, कैमरा बैग अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, तो काफ़ी महंगे महंगे होते हैं. एंड द वन विच आई रिकमेंड इज लोप्रो का. 20 लीटर की प्राइस 9000 रुपये के आसपास है, 30 लीटर की प्राइस 3500 रुपये के आसपास है. मैनुफैक्चरर भी कुछ अच्छे अच्छे डील मिल जाते हैं आपको. तो ऐसी कंपनी ऐसी है जो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली है. अभी मैंने इसके पहले जितने भी अमेजन बेसिक्स का प्रोडक्ट लिया था उस प्राइस में मुझे बढ़िया डील मिली थी. दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस अमेजन बेसिक्स के लिए. तो ओके गाइस, दैट्स इट्स फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. एंड आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो.